राम राम बे सारे बहन भाइयों ने बेटे बेटिया ने ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करू सब बहुत अच्छे होंगे। बे कर लिया हम व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल घूम घाघरा पर। और बे सुबह के 10 बज लिए हैं। मारी हेल्पर काम कर गई थी और फिर मैं नहा ली थी। बे नहा का ये लाग रही हूँ मैं पूजा करण। और पूजा करने के बाद देखियो आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो बने रही हो व्लॉग में। देख लो बे पूजा कर ली है। और आज लिया बताए दे हूं बे आज है बे मावस। और मावस की मने रोटी काटनी है। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अब किचन में। किचन में ये पूरी गैस वैस स्लेब स्लूब साफ कर ली हूँ। वैसे तो श्याम नकर कई सोई थी लेकिन जब रोटी काटनी है तो फिर भी कपड़ा तो एक बार मारना बना ही था भी। तो ये मैं सारी ये किचन में मैंने स्लैब पे कपड़ा मार दिया है। गैस साफ कर ली है। तो ईब मैं बना ली हूँ बे रोटी। ये सुमित भी आ गया है। और सुमित ने बना लिया था तब तक नींबू पानी। फिर हमने माँ बेटे ने नींबू पानी पिया भी आटा बनाकर। और फिर मैंने रोटी पो दी थी फिर नींबू पानी पिया। गाय की रोटी निकाल दी थी मैंने। हेलो और ईब आ रहा है बे कविता का फोन। ले मम्मी बोला है इसका जी नहीं लग रहा कती नुको है आज आ जाएगी। अच्छा होली नुको है मम्मी तो नुको मारी तो बात होनी सुबह सुबह तू हुई तू कर ले। हाँ कती हाँ खा लिया खा लिया। और रे मेरी बुढ़ी लोग आई ना तू दुखी करे उड़ा चली गई तने शर्म नहीं आई। या को जानबूझ कर गई है इमरजेंसी में गई है मारा पड़ता है सुथरा बनाने का मारा बहुत चलाक है यो। हाँ बड़े बड़े आदमी ने तो फंसा दे। बेचारा सुधा इसने बेरा ही नहीं कुकर किए हुआ है। कती सीधा जलेबी की तरिया जलेबी है याद आ गई जलेबी बनाऊंगी। बना दे फिर ला लिया सुबह सुबह ला लिया। लो भाई बज रहे हैं दोपहर के 2। हमारा सुबह का खाना पीना हो गया था। बर्तन मैंने साफ नहीं किए थे। खा पी कर हमने करा थोड़ी सी देर आराम। मैं थोड़ी सी देर में करूंगी। तो मेरा अड़कड़ का सिर में दर्द हो रहा था तो मैं सुमित को बोली मेरे लिए चाय बना दे। तो सुमित मेरे लिए बनाने लग रहा है चाय। देखो बर्तन पड़े हैं तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन। सुमित भी किचन में आ जाए इसका लाभ उठा लू मैं। दो चार बर्तन बुर्तन जचा दे हूँ जचा देगा यो मेरे पर घना कर दो कोटा मुद्दा ना आ जावे मौका का फायदा कदे कदे फसाइयो बात देगा ना। तो चाय बना तब आना किचन में आ रहा है आज से के सच्ची को आज से प्रेम खड़े होगा चाय बनाओगा देखे सब मन लगा के इलाची उलाची कूट काट के ना कदे पी के देखे इसका हाथ के चाय दूसरे के पीने भूल जाओगे। मतलब कोई भी काम करे अगर मन लगा के करे अगर तेरी बनाओ तो मेरी मेरी बनाओ दे ये ना पीता भी ये भी पी हूँ। फिर शाम का काम शुरू होगा चाय पी के थोड़ी सी देर करूंगी मैं आराम।
बोला तो संतोष दीदी को आएगी तो बाहर खड़ी थी मैं गाय में रोटी देने ले जाऊ वो लेके आती हूँ थोड़ी सी देर दीदी को बुलाती हूँ गप्पे मार लेंगे टाइम पास हो जाओगा क्योंकि शाम तक बोल तो कि मैं काम है को ना शाम की चाय है चाय भी पी मैं पीऊंगी इतना संतोष दीदी आई वो पीवेगी तो पीऊंगी ना तो फिर मैं कोने क्यों रोक दिए रे मेरा है बर्तन भी जूना भी जब भी बर्तन साफ करो जूना भी जरूर साफ करे करो बनगी मेरी चाय ले चल ले छोरा आ जाओ पी लो सारे जने चाय चाय तो नीरू दीपी का भी बढ़िया बनाया कर है लेकिन मैं थोड़ी सी पत्ती तेज गे रहा कर मैं थोड़ी ही कम पत्ती की गे रहा खा पिया करूं मैं थोड़ी ना तो काम चाय पी के देखती हूँ आराम हो गया तो ना तो फिर गोली देनी पड़ेगी वे मेरा शरीर सा है बिना गोली मेरा नहीं क्या ठीक के नहीं होया कर है तो कितनी कोशिश कर लूं मैं बहुत कोशिश करा करूं कि मैं गोली ना लेऊं लेकिन पता नहीं एक आदत सी पड़ रही है गोली बिना ठीक हो वही को ना इबे थोड़ा ही दर्द है जे ज्यादा हुआ तो लेंगे लो बे दोपहर का हो गया मेरा काम खत्म देख लो पड़ू तो काम में के है सहरा में खाना पीना नहाना धोना यो ही काम है तो मेरे थोड़ा सा आराम होया बे चाय पीने से ज्यादा को ना होया फिर मैंने आखिर में गोली लेनी पड़ी गोली लेने के बाद मैं थोड़ी सी देर करा आराम एक सूटा की वीडियो भी बनाई बे जल्द बखत तय बना लिया आज मैंने और फिर ई बागी थी फिर मैं किचन में 5 बज गए थे बे मैंने सोचा ले पालक दरी है तो आज मैं आलू पालक बनाने वाली हूँ तो पहले पालक को साफ करके रख दी हूँ क्योंकि फिर मैं संतोष दीदी जावांगे पार्क में फिर पालक धोने के बाद मैं संतोष दीदी को करूंगी फोन और ये देखो भाई ये टब ले रखे हमने स्पेशली पालक जैसे हरा साग वगैरह सर्दियां में भी लेवा ये सब धोने के लिए ले रखे इसमें अच्छे से खुला पानी में धो जावे है 2-3 बार धो दी पन्ने या पालक देखो अब पार्क में घूम के आवांगे इतना थोड़ी सी सूख सी जावेगी तो फिर मैं का सब्जी बना लूंगी ये धोने के बाद फिर मैंने करा संतोष दीदी के पास फोन दिन में कहो थी एक बाऊंगी फिर कोने आन पाई इधर उधर कुछ काम लगी होगी तो मैं बोली आ जाओ चलो एक एक चक्कर पार्क में काटा हूँ बोली ठीक है मैं आ रही हूँ तो फिर हम गए दोनों जनी पार्क में एक चक्कर काट के आई वे और चक्कर काट का आकर फिर मैंने 10-15 मिनट करे आराम फिर मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में ईब लगी मैं सब्जी बनाने के लिए मैं फटाफट सब्जी बनाती हूँ राटा बनाकर रख दी हूँ तो फिर मन करनी थी क्योंकि नितिन दीपिका से बात और नायरा से बात भी नहीं हुई थी तो उससे भी बात करनी थी तो अपने तो वे श्याम होया करे और उनकी सुबह होया करे तो उनकी श्याम ने सुबह हो रही थी तो मैं डेली सुबह बात करते हैं हम तो श्याम ने फिर नायरा से भी जल्दी बात करनी पड़े फिर 9 बजे के बाद तो वो सो भी जावे है तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये खाना बनाने लग रही हूँ मैं फिर उनसे बात करी वे मैंने देख लो कितने जल्दी जल्दी मेरे हाथ चलन लग रहे हैं ये सब बनाकर फिर मैंने थोड़ी सी देर आराम भी हो गया मेरा और बात भी होगी वे लगातार काम को नहीं होता मेरे पास जैसे 1 घंटे तक खड़े रहो और काम कर लू मैं थोड़ा सा जैसे सब्जी बना दी फिर 10-5 मिनट आराम कर लिया बैठ गई फिर मैंने आटा बना लिया तो न्यू कर लिया करूं बे मेरी डिश में दिक्कत है एक बहन ने पिछले वो लोग में पूछ भी रखा था कि बहन घुटने और कमर में दर्द तो नहीं है बहन बे मेरा डिश में दिक्कत है और डिश की वजह से ये भी पैर में और दर्द रहने लग गया बे पिंडी में करूं तो हूं मैं ये डिश की एक्सरसाइज डेली कई दिन दिखाया भी था मैंने वो लोग में ठंडा गर्म भी सेक्या मैंने तो उससे थोड़ा सा है मेरे को जैसे 50-60% आराम है लेकिन पूरी तरह आराम नहीं लगा है तो
मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा दूं, डॉक्टर तो बतावांगे बे ऑपरेशन, ऑपरेशन से मन लगा है डर, ऑपरेशन नहीं करवाया जा रहा बे। और मैं सोच रही हूँ अभी एक सुमित का दोस्त डॉक्टर है और उसका एक दोस्त है आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो सुमित बोल रहा था कि एक बार मम्मी उनको दिखा लेते हैं क्या कुछ बताओगे, तो देखते हैं वे जाऊंगे एक आध दिन में उनको दिखा के आती हूँ, आराम लगेगा तो, क्योंकि ऑपरेशन तो सब कोई मना कर है कि आप ऑपरेशन मत करवाना बे, तो मन ने भी बहुत डर लगा करा ऑपरेशन से। लो बे ये मेरी सब्जी डक दी है, मैंने बना दी है, हरी बाटा बना कर रख दी हूँ मैं। चलो बताइयो आप लोगों को वो लोग कैसा लगा, राम राम बे सबने, खुश रहा करो हमेशा।